बहुत धन्यवाद है भाई साहब को, क्योंकि दादा कहा गया है कि तुम्हारी हर बुराई पर मेरी अच्छाई भारी है। अभी कह रहे थे काले बाल वाले जलते हैं, ये गीत आया हम काले हैं तो क्या हुआ, और दिल वाले हैं। बिल्कुल बेटा, ऐसा नहीं है, काले दिल वाले काले बाल वाले जलते नहीं है, ना ना। बल्कि बुरी नजर लगने से बचाते हैं। हाँ, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सुनिएगा दादाजी, कहा गया है कि तुम्हारी हर बुराई पर मेरी अच्छाई भारी है, अरे तुम्हारी हर चालाकी पर मेरी सच्चाई भारी है। तुम्हारे सामने झुक जाए ये सोच मत लेना, तुम्हारे सामने झुक जाए ये सोच मत लेना, क्योंकि तुम्हारे कद से मेरी परछाई भारी है। क्या बात बेटे, आज दादागिरी नहीं चलेगी। सुनिए दादा, मटको चाहे जितना, मगर हमसे ज्यादा नहीं मटक सकते। पर दादागिरी चलने नहीं देंगे हम लोग। सुनिए, निवेदन कर रही हूँ आपसे कि ये प्यार दिखा, ये बात छुपा ना सबको बता, ये काम ना कर बदनाम ना कर मेरा नाम बचा। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से हरिप्पा की खुदाई से तर्जे आ रहे हैं। सुनिए दादा, अब दोष क्या था मेरा, जो होना था वो हो गया, तो मेरा पाँव भारी हो गया, हो मेरा पाँव भारी, मेरा पाँव भारी हो गया, 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 मेरा पाँव भारी हो गया। चाहे तेरा पाँव भारी हो गया, चाहे पड़ोसी का पाँव भारी हो गया। दादा बहुत पैर पटक रहे थे, ऐसा लग रहा था। दादाजी बुरा न मानिएगा, अगर आज के जमाने का वो रावण होता, अब इसके अगर वो रावण होता, हाँ इसके आगे तो माता सीता को नहीं बल्कि आपको उठा ले जाता। मेरा पाँव भारी हो गया, कमी कहे की थी बेटा। दादाजी पता नहीं क्या सोच के पाँव पटके धरे दे रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं सोच रहे बेंच पे गा रहे हैं। सुनिए, जबकि अपना नहीं तो कम से कम पड़ोसी मंडल का ख्याल करिए, इतनी जोर पटकेंगे तो हम लोग पता नहीं कहाँ जाएं। हाँ, उधर हल्का मंडल, ये वजनदार मंडल है। सुनिएगा, आपको जहाँ जहाँ भी कथानक मिल रहे थे मेरा पाँव भारी हो गया, आपने यहाँ की भी बात की है, मैं तो जानती नहीं हूँ दत्ता जी, आप लोगों से ज्यादा मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मगर सुनिए बेटा पैर ना पटक। और ये सम्मानी श्री मनोज भैया, मनोज क्या लिखा, खटिक सोजना, उमराव मास्टर जी सोजना, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, अब उधर पाँव भारी हो गया यहाँ तक की बात आ गई है, मगर देखिए जब जवाब आ जाए तब रोशनी अंजान। और मैं कह रही हूँ आदरणीय दादाजी, जवाब सुन के आपकी आत्मा बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। बेटा इनाम दे देंगे तुम्हें उठ के तुरंत। सुनिए कैसे, जब शिष्य को पिया, जय हो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ का सतगुरु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा शेर,
पाकिस्तान के लिए तो तुम ही काफी हो। थोड़ी लंबाई कम है लड़के की बस। सुनिएगा दादाजी, कैसे अब पाँव उधर भारी हो रहा है, भगवान करे धीरे धीरे सब सबका हो जाए। पर मेरी बात सुनिएगा, एक दैत्य कथानक सुनिएगा, लंबाई से मार खा गया। जब दैत्य पालकों ने कच्छ को भस्म कर दिया, निवेदन कर रही हूँ कथानक सुनिएगा दादा, भस्म कर दिया और मदिरा में डालकर उसको शुक्राचार्य जी को पिला दिया। शुक्राचार्य जी जैसे पी गए तो देखिए हुआ क्या, सुनिए। जब शिष्य को पिया हर साहिया, सुख हुआ जिया। क्या बात है, सुनते जाइएगा, एक एक लाइन को नोट करिएगा। नाम लो पहले कहना, बालू कुशवाहा जी, हैदरपुर वाले राजू सुमन जी, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा कहना, और मैं निवेदन कर रही हूँ, अगर ऐसा लगे तो तालियों से स्वागत करिएगा। बात सुनिए कहना, क्या? जब शिष्य को पिया हर साहेब पिया, जब शिष्य को पिया हर साहेहिया, सुख हुआ जिया, सुखी हुआ जिया, विद्या है दिया, सुत ने है लिया, पर चिला दिया। ऐसे पहले तो पी गए मगर बाद में करिश्मा देखिए कि वो फिर जी गए। कैसे? कैसे दादाजी? जिसका रखवाला हरी वो ना वो मर पाएगा। जिसका रखवाला स्वयं ईश्वर हो वो मर नहीं सकता है। जिसका रखवाला हरी हो ना वो मर पाएगा। और हाथ पे हाथ धर के नहीं, कहते जब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो होगा क्या? हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठो कुछ हाथ ना आएगा। हाथ पे हाथ धर के बैठोगे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। मेरी बात कह रही, सुनिएगा एक एक लाइन को नोट करिएगा। आपकी बात कह रही, पाँव भारी हो गया मगर हुआ क्या वहाँ? अरे सिखा दिया विद्या सारी, अब पेट चीर के आएगा। नोट कर लीजिएगा एक एक लाइन को। अपने गुरुवर शुक्राचार्य को वो कच्छ जिलाएगा। अपने गुरुवर शुक्राचार्य को वो कच्छ जिलाएगा। और जब जब ऐसा हुआ दादाजी, पेट चीर के जैसे ही वो बाहर आ गया तो कहना पड़ा, अरे कर्म किया लेकिन मेरा कर्म अधूरा हो गया। कर्म तो किया मगर कर्म अधूरा हो गया। उन दैत्यों ने सोचा कि मैंने पिला तो दिया था शुक्राचार्य जी को मगर मेरा कर्म पूरा नहीं हो पाया। क्यों? अरे कर्म किया लेकिन मेरा, अरे कर्म अधूरा हो गया। इधर वो दैत्य पालक सोच रहे हैं मगर उधर शुक्राचार्य जी सोचने लगे, दत्ता जी अरे कर्म किया लेकिन मेरा, अरे कर्म अधूरा हो गया। जब पेट चीर के बाहर आया तो शुक्राचार्य जी सोचने लगे, मेरा पेट हल्का हो गया, 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 मेरा पेट हल्का हो गया। उधर भारी, उधर पाँव भारी हो रहा है मगर इधर पेट से जब बाहर आए तो पेट हल्का हो गया, हो गया है। शाबाश, नोट कर लीजिएगा। हाँ, और दादा को थोड़ा समझाइएगा भी। पेट हल्का हो गया। अब दादा जी, ओ भाई साहब सुने इस बात को, और कहां पर पेट हल्का हो गया समझो। एक कथानक तो कई मिल जाएंगे इस कलयुग में भी, ऐसा कथानक है
भैया इस कलयुग में भी कहते हैं कि नारी को कोई बात नहीं पचती है, कहते किसको बताएं चल के, जैसे ही कुछ बात अगर आप कह दें कि ये बात ना बताइएगा तो वो बात जरूर बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि नारियां कहती मेरा पेट हल्का हो गया है। समझते रहिएगा, तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी। अब कहां पर पेट हल्का हो रहा है सुनिए। जब मंथरा ने सुना कि 15 दिन से अभिषेक की तैयारी हो रही है, उसको बात पची नहीं, पहुंच गई कैकेयी के पास कान भरने के लिए। हुआ क्या सुनिए। एक तरफ तो अयोध्या के सारे नगरवासी इस बात से प्रसन्न है कि राम का अभिषेक होने वाला है, मगर वो बात मंथरा को नहीं पच रही है। हुआ क्या सुनिएगा दादाजी। जनकार सित हिया है और हिया है हर सित राजन का। राजा दशरथ भी प्रसन्न है कि उनके पुत्र का अभिषेक होने वाला है। और जन जन का जीवन प्रफुल्लित जादू है चितरंजन का। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सभी लोग जानते हैं, कौशल्या हितकारी। और कहा भी गया है कि पिप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। वाह, कई सारी बातें मिल जाती हैं। तो हुआ क्या सुनिए। मिला क्या? जब मंथरा को बात पता चली, कैकेयी के पास पहुंची, कैकेयी से सारी बातें उगल दी। अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं क्या अयोध्या में क्या हो रहा है, तो कहना। अरे भरत बन गया राजा। कहा रानी अभी समय है, अभी दशरथ जी से कह दीजिए, अगर अभी कह देंगी तो आपका सपना साकार हो जाएगा। और आप सभी विद्वान जन बैठे हैं, आपको मालूम है कि कैकेयी ने 2 वचन मांग ही लिए। अगर मंथरा ने ऐसी बात ना बोली होती तो शायद कैकेयी ने उस समय ये वर ना मांगे होते दादाजी। तो कहना। अरे भरत बन गया राजा, समझो सपना पूरा हो गया। मंथरा ने सोचा अगर भरत राजा बन जाए तो हमारी भी दाल गलती रहेगी, जो हम कहेंगे वो होता रहेगा। अरे भरत बन गया राजा, समझो सपना पूरा हो गया। और जब बात कह दी कैकेयी से तो मेरा पेट हल्का हो गया, मेरा जानते हैं कि ये प्रथा कहां से चालू हो गई। एक जगह कह भी दिया गया, कुंती को ये कहा भी गया कि जाओ तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचेगी। तो मेरा पेट हल्का हो गया, मेरा पेट हल्का, मेरा पेट।